मुंबई में मजदूर बेबस हैं, लाचार हैं और उस पर से अफवाह के भी शिकार हैं। कहीं से भी कोई खबर मिलती है ट्रेन चलने की तो मजदूर स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब स्टेशन जाकर पता चलता है कि खबर गलत है तो फिर से उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। ये कहानी मुंबई के ऐसे हजारों मजदूरों की है जो घर लौटना चाहते हैं, अपने घर। हमने आपको दिखाया कैसे कल मुंबई के अलग अलग स्टेशन पर मजदूरों का हुजूम उमड़ा था। ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी मुंबई के कई इलाकों में मजदूरों की भारी भीड़ जुटी है। धारावी में मजदूर एक अनाउंसमेंट पर पहुंच गए तो वसई में ट्रेन चलने की गलत खबर पर मजदूरों का जमघट लग गया। कल की तरह आज कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर सुबह सुबह बड़ी संख्या में मजदूर पहुंच गए। उस वक्त कोई ट्रेन नहीं चलने वाली थी। ये मजदूर चेंबूर से आए थे, लेकिन ट्रेन नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद वापस लौटे। फिलहाल आज बिहार के लिए दो ट्रेनें मुंबई के अलग अलग स्टेशन से रवाना होनी थी। इसमें से एक ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भी छूटनी थी। इसके लिए आज धारावी की मस्जिद से मजदूरों के लिए अनाउंसमेंट भी किया गया था। और ये ऐलान मस्जिद और मीडिया से किया जा रहा है, जो लोग सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर यानी बिहार के जाने वालों में से जो लोग सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं और जिन्होंने अंजुमन वाशिंदगानी बिहार में या धारावी पुलिस चौकी में जिन्होंने अपना पेपर जमा किया, उनसे दरखास्त है कि वो तमाम अफराद ऐलान सुनते ही साइन स्टेशन के पास पहुंच जाए और जिनका फार्म नहीं है और वो जाना चाहते हो तो वो लोग भी साइन स्टेशन पहुंचने के बाद, साइन स्टेशन पूरी चौकी के पास पहुंचे, वहां अपना अपना फार्म भरवाएं और फिर घर जाने की आज ही तैयारी करें। और हो सकता है कि आज की ये ट्रेन आखिरी ट्रेन। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार जाने वाली ट्रेन से जाने वाले ज्यादातर लोग धारावी में रहते हैं। धारावी में सरकारी बसें लगाई गई हैं, जिससे लोगों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। लोग लाइन में लगकर बसों में सवार हो रहे हैं, लेकिन बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। धारावी से अब एसटी बसेस निकल रही है जो कि जाएगी एलटीटी स्टेशन पर। एलटीटी से बिहार जाने के लिए ट्रेन लगी है, ये अनाउंसमेंट किया गया मस्जिद से। मस्जिद को अनाउंस करने के लिए कहा था लोकल पुलिस के जरिए, जिसके बाद में अब लोग जो कि सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, अब एसटी की यानी राज्य परिवहन की इन बसों के जरिए एलटीटी स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, तो जिसके लिए लंबी सी कतार यहां पर देखी जा सकती है। पुलिस की तरफ से इस जगह पर अनाउंस किया जा रहा है कि लोग डिस्टेंस बनाए के रखें और एक एक करके इस बस में पहुंचे जो कि एलटीटी स्टेशन पहुंचेगी। आज सुबह से ही यहां पर लंबी भीड़ लगी थी यूपी जाने के लिए, बिहार जाने के लिए। लोग कह रहे थे कि उन्हें किसी ने कहा, कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि मस्जिद से अनाउंस हुआ, लेकिन आज बात ये स्पष्ट की गई कि जो मस्जिदों से कल अनाउंस किया गया था वो कल की ट्रेनों के लिए था, आज के नहीं। लेकिन आज फिर से एक बार अनाउंस किया गया, लोगों को अपील की गई कि वो साइंस स्टेशन के ठीक सामने पहुंचे, लिहाजा ये लोग पहुंचे हैं और ठीक आगे से ये लंबी कतार लोगों की अब बसों के जरिए एलटीटी स्टेशन पर पहुंचेगी। लोग मौजूद हैं और पिछले कुछ घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। कब से वेट कर रहे थे? ये करीब 10 बजे से। बिहार जाना है दरभंगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं, यहाँ से जाने के बाद ही पता चलेगा। बिहार जाना, सीतामढ़ी जिला, 10 बजे से। सर अब 5 तारीख से वेट कर रहे हैं। धारावी में जी, धारावी में रहते हैं। आज कैसे मतलब पता चला? आज पता चला कि साइन से बस जा रही है, बीटी से गाड़ी, इसके लिए जो है ना हम लोग सुबह से यहाँ नंबर लगा के रखे हैं। कैसे पता? तो किसी के जरिए पता चला, मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पता चला।
धारावी में आज सुबह से ही मजदूरों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी जब सुबह सुबह धारावी पहुंचे तो मजदूरों की लंबी लंबी कतारें दिखी। लोग में बहुत कंफ्यूजन था, लोग उलझन में थे। मजदूरों को सुबह धारावी पहुंचने का मैसेज आखिर कहां से मिला, आप भी सुनिए। लोग गांव जाना चाहते इसी के लिए लंबी कतार लगाते हुए यहाँ से ठीक साइंस स्टेशन के पास हम मौजूद है और वहां से सभी लोग इस इंतजार में है कि बेस्ट की बस आएगी और इन्हें LTT या फिर CST स्टेशन तक पहुंचाएगी, जिसके बाद में वो अपनी ट्रेन के जरिए गांव जा सकेंगे। इसी इंतजार में ये लोग यहां पर सुबह से ही बैठे हुए हैं। आपको कहां जाना है? बिहार जाना है। बिहार सबसे बड़े हरे अंडे बोला था मस्जिद में गाली लाने से कल गाड़ी है मस्जिद में प्लान हुआ था जी कि कल गाड़ी है बोला कल गाड़ी है ब्रिटिश है जी जी। आपको कहाँ जाना है? अब बिहार से। बिहार बिहार जाना कब से गए? 3 घंटे हो गए। किसने बोला था? वो इलाउंस हुआ था मस्जिद में। आप कैसे हैं? बिहार जाने का भाई अलाउंस हुआ था। कहाँ पर? ये अपना कुरला मस्जिद से हुआ था अलाउंस। मस्जिद में किया था कि गाड़ी कल खुलेंगे। हाँ हाँ जी जी जी। 3 घंटा हो गया होगा। ये भी 3 घंटे से इसी इंतजार में है कि अनाउंसमेंट हुआ था स्पीकर के जरिए, मस्जिद से अनाउंस हुआ था, इस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं, जिसके कारण ये यहाँ पर इस इंतजार में हैं कि बेस्ट की बस आएगी और इन लोगों को स्टेशन तक पहुँचाएगी।